फाइनली आज ये वाली पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई। वैसे तो मैंने सोचा था ये वाली पेंटिंग मैं शिवरात्रि तक कंप्लीट कर लूंगा, पर बीच में हमारे कॉलेज का एनुअल एग्जीबिशन आ गया और मुझे उसके लिए पेंटिंग अर्जेंटली प्रिपेयर करनी पड़ी, उसके कारण इस पेंटिंग में डिले हो गया। पर भले ही थोड़ा डिले हो गया बट ये पेंटिंग बहुत प्यारी बनी है। इस पेंटिंग में मैंने शिवजी और नंदी महाराज को बनाया है और बैकग्राउंड में बनाया एक सुंदर सा जगमगाता हुआ चंद्रमा। वैसे चंद्रमा आपने शिवजी के मस्तक पर देखा ही होगा, पर कभी आपने ये सोचा है ये चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर होता क्यों है? तो वैसे तो पुराणों और ग्रंथों में बहुत सारी कथाएं हैं जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है, पर एक रीजन है जो हम सभी को पता होना चाहिए। चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो शीतल होता है, यानी कि ठंडा, और जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो भी हमें ठंडक प्रदान करती हैं। तो अगर लाइफ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, शिव कहते हैं हमें हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए।